हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज संडे का दिन है और मैंने ना एक हफ्ते से कुछ भी वीडियो डाला नहीं था। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल थोड़ा ज्यादा ही बिजी था, इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज संडे है, फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, पूरा दिन का टाइम मिला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का प्लान क्या है। मेरा प्लान संडे को तो कुछ रहता नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लान संडे कुछ होता नहीं है, बट देखते हैं जो जो होएगा। आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आज मेरा प्लान है ना, कुछ मेरे यहाँ से थोड़ा सा लंबे जाके आपको कुछ कुछ नया नया चीजें दिखाऊं। जैसे कि दूध, हमारे यहाँ पे ना तबेला जो है काफी फेमस है हमारे यहाँ का तबेला, तो वहां से वो दिखाता हूँ आपको कि वहां पे भैंसे वगैरह मतलब किससे है, क्या शेड्यूल है, कैसे खाना देते हैं उनको, वो सब दिखाता हूँ। और क्या क्या दिनचर्या है आज की, वो सब दिखाता हूँ आपको, तो बने रहिए। मैं अभी एक महाराष्ट्र के एक गांव में हूँ, तो यहाँ का ना मतलब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं ना उस गांव में क्या क्या होता है, गांव की खेती, उनका रहन सहन, वो सब भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए, मेरे पीछे का नजर आप देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। एक्चुअली मैं एक जंगल के बीच में हूँ, मैं यहाँ पे एक गांव में आया हूँ, तो गांव का भी पूरा ना आपको दिखाता हूँ कि वो मतलब कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका खाना वाना कैसा होता है। बेसिकली गांव है तो गांव में मैंने जैसे कि बताया कि तबेला में जाने लो, तो यहाँ पे तबेला वगैरह रखना काफी ईजी हो जाता है। तो मैं आपको ना सब कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे जितना मेरे से पॉसिबल होगा सब कुछ दिखाता हूँ मैं। अभी मैं गांव में चलते चलते ना मैंने एक जगह देखा कि ये जो मेरे पीछे दो तीन जन आदमी आप देख रहे हैं ना, ये खाद जमा कर रहे हैं। खाद मतलब यहाँ पे आगे एक तबेला है, तबेला से जो भी गोबर वगैरह जो भी मलमूत्र है गाय भैंसों का, वो बह के एक जगह पे आता है। तो ये जो मेरे दिख रहे हैं, ये पीछे गांव वाले, तो यहाँ से ना वो खाद जमा कर रहे हैं। वो खाद मतलब वही गोबर वगैरह खाद बोलते हैं, तो पूरा वो गोनी में जमा करके वो लेके जाएंगे अपने खेत में, और वहां पे खेतों में क्या गोबर का खाद सबसे बेस्ट माना जाता है मतलब अच्छी खेती के लिए। तो मैंने देखा कि आपको भी दिखा दो, ये देख रहे पीछे एक गोनी वगैरह रखे है, और यहाँ पे एक आंटी है, एक लड़का है, और दो जन यहाँ से साइकिल में भर के दो चार गोनी लेके गए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बीच में एक नाला है, मुझे ना वहां तक जाने के लिए तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है क्रॉस करने के लिए, बट देखता हूँ मैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, वहां से थोड़ा बात भी करेंगे उनसे। मैं अभी तबेला पे हूँ, तबेला पे इन द सेंस कैसा है कि मैं जहाँ से दूध वगैरह लेता हूँ उस तबेलों पे, तो यहाँ पे मैंने तबेला ओनर से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 50 भैंसे हैं जो कि पूरा का पूरा दूध वो शहरों में एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज गांव में कैसा हर घर के बाहर एक दो भैंस हो जाती है, तो गांव वाले बहुत कम दूध लेते हैं, बट ये यहाँ के जो तबेला है सब शहरों में दूध एक्सपोर्ट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा तबेले का नज़ारा दिखाता हूँ। साफ सफाई है, बहुत साफ सफाई से रखा हुआ है। यहाँ पे करीबन 25 से 30 भैंसे हैं, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये उनका चारा है, और ये पूरा नल से साफ सफाई वगैरह करते हैं। तबेला से मैं अभी बाहर आ गया हूँ, और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ना पूरा वो तबेले के जो उपले बनते हैं ना, यहाँ पे मेरे पीछे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, और तबेला एकदम साफ सफाई रखा था तबेले में। और वहां से मैंने किसी पे बात नहीं किया, बिकॉज कैसा है कि वहां पे जो उनके ये थे एम्प्लॉय वगैरह जो तबेले में काम करते हैं वो सब सोए हुए थे, तो मैंने भी अच्छा नहीं समझा कि उनको जगाऊं, तो कैसा कि वो थक जाते हैं ना। मैं अभी ना एक जगह पे आ गया जहाँ पे मैंने तबेला दिखाया आपको, तबेले का जो मलमूत्र बह के आता है यहाँ पे ही आता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ किसान लोग ना उस मलमूत्र को जमा कर रहे थे, तो चलिए मैं बात करता हूँ किस लिए वो जमा कर रहे थे, किस लिए बात कर रहे थे, चलो बात करते हैं उनसे। दादा आपका नाम बताएंगे? नाम मेरा गंगाराम गायकर। इनका नाम गंगाराम गायकर नाम है, और ये आप जो ये खेत खाद जमा कर रही है यहाँ पे, ये देखेंगे ये गोनी में रखा हुआ है, प्लस वहाँ पे भी कुछ गोनी में रखे हुए हैं, तो ये किस लिए जमा कर रहे दादा? ये खेत में डालने का, खेत के लिए ना, जैसे कि भाजीपाला वगैरह सब्जी में डालने का खेत में। इससे मतलब क्या रहता है, मतलब भाजीपाला अच्छी होती है या फिर कैसा? हाँ वो डालेगा ना, गोबर डालेगा तो बहुत अच्छा सब्जी रहता है, तो चावल होता है अच्छे से। अच्छा आप मतलब सब्जी उगाते हैं, आपका खेती है? हाँ है ना। कौन सा एक दो सब्जी का नाम बताएंगे सर? उसको अपना है करेला है, करेला, पालक है, और मूली वगैरह भी करते हैं, लौकी। तो ना मैं कुछ दिन अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इनके खेत पे भी लेके चलूंगा। अभी कुछ खेत में भाजी लगाया आपने? अभी लगाया, अभी छोटा छोटा लगाया। अच्छा अभी लगाया हुआ है बट छोटा छोटा है, तो मैं ना आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में उनके पास इनके खेत में भी लेके जाऊंगा, तो बने रहिए आप। अभी आप देख रहे हैं ना ये मौसी, ये जो मजदूर है जो मतलब खेत में काम करते हैं ना, उनको खाना दे रही है, तो इन्होंने ये टोकरी में खाना लाया, भाजी और चावल की रोटी, तो ये इनको दिया है, प्लस ये मतलब ये भी खाएंगे, सब बैठ के खाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चीज की भाजी है उनकी। नहीं नहीं, ये देखो ये सेंगा का भाजी है, और ये कुछ चिकन टाइप है मुर्गी का भाजी, और ये चपाती है, मुर्गी का पैर वगैरह लाया उन्होंने,
तो ये देखिए, ये हमारे कुछ भाई लोग वहाँ पे खाना खा रहे बैठ के, क्योंकि सुबह से काम करे तो थक गए, तो दोपहर में कैसा मतलब कुछ 11 बज गया तो 11 बजे खाना खाते ही है। चावल का रोटी और चावल का रोटी है ना। ठीक है ठीक है। मैं ना जा रहा था कहीं रास्ते से, तो मुझे ना एक किसान का घर दिखा, तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छी भाजी की पेड़ लगाई थी। ये देख रहे हैं मेरे पीछे दुद्धी, इसको ना दुद्धी बोलते हैं। ये अभी ऑलमोस्ट बड़ा हो गया और 3-4 दिन में ना ये और खाने लायक हो जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं देखो इसका ये तना है, यहाँ से ये ऊपर गया है और ये छत है मेरे ऊपर जो पूरा देख रहे हैं, छत के ऊपर पूरा डंटी फैला हुआ है। तो ये दुद्धी है यहाँ पे, प्लस एक दुद्धी ना यहाँ पे है, ये देखिए एक यहाँ पे है, एक ना मेरे उधर कॉर्नर में है पीछे साइड में। बहुत ही अच्छा है, इन्होंने इनफेक्ट मेरे को 2-4 दिया है, 10-12 ही दिया रहेगा। मैंने खाया है इसको, दाल में डाल के खाया है, इसका हलवा बना के खाया है, इसका पकौड़ी खाया है। बहुत अच्छा लगता मेरे को, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें क्या करते हैं, तना में वो जो गोबर मैंने दिखाया था, वो गोबर डाल देते, पानी डाल देते, हो गया काम। पानी डालते हर शाम को, ये बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। ये कम से कम 100-150 दुधी निकाल चुका रहेंगे इस पेड़ से, ये तने के पेड़ से। मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा कि आपको दिखा दूं। तो देखिए ये इस हिसाब से ना गांव में भाजी वगैरह लगाते हैं, तो मतलब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। घर के सामने भाजी की पेड़ है, आपको मन किया तो तोड़ के खा लो। एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाता था, ये अकेले तो खाते नहीं है, तो ये ना अपने अगल बगल वाले को भी देते है। ये एक गाँव में बहुत अच्छी चीज होती है। मैं ना अभी मेरे रास्ते से मतलब मेरे गांव के रास्ते से थोड़ा चलते चलते आगे आया हूँ, तो मुझे ना यहाँ पे एक इंडस्ट्री दिखी। गांव में इंडस्ट्री मतलब देख के मैं थोड़ा मेरे को मतलब अच्छा लगा कि अरे यहाँ पे एक इंडस्ट्री है। में क्या बनता है, रस्सी बनती है। मतलब जो शहरों में वेस्ट होता है ना, वेस्ट नारियल के वेस्ट वगैरह से ये लोग रस्सी बनाते है, और यहाँ के लोकल गाँव वाले ना उस इंडस्ट्री में काम करते है। तो मैं आपको ना यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ। ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, मेरे पीछे देखेंगे ये इनका एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ये फैक्ट्री में ये काम करते। तो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे भी मिलाता हूँ और कैसा रस्सी बनता वो भी दिखाता हूँ। तो मैं ना आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे और दिखाता हूँ कैसा क्या है सब। मैं अभी भास्कर पाटिल के साथ पे हूँ, जो कि यहाँ के मैनेजर है इंडस्ट्री के। तो ये हमको डिटेल में बताएंगे क्या क्या बनता है। तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पे क्या क्या बनता है। यहाँ पे 3 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि नारियल के कचरे से हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक नारियल का रस्सी, सेकंड कोकोपीट, और दूसरा जो है वो नारियल से कार्बन भी बनता है। कार्बन मतलब 3 टाइप, 3 प्रोडक्शन है यहाँ पे। एक है रस्सी, नारियल के रस्सी का प्रोडक्शन है। वो कोकोपीट क्या होता है सर? कोकोपीट ये एक प्रकार का खाद है, जैविक खाद है। ओके, खाद बनता है जो पौधों के लिए बहुत यूजफुल रहता है। हाँ, जैसे मैंने आपको सुबह गोबर का खाद दिखाया था, तो एक नारियल से ना कोकोपीट एक खाद बनता है, जो कि उसको भी खेत में यूज करते हैं। और तीसरा चीज क्या बोला आपने? कोयला बनता है। कोयला भी बनता है। तो मैं आपको ना लेके चलता हूँ यहाँ पे आगे, फैक्ट्री यहाँ पे देखेंगे, पूरा फैक्ट्री है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा दिखाऊंगा क्या रस्सी वगैरह कैसे प्रोसेस है क्या है। फिर चलेंगे, मेरे को दिखाएंगे पूरा कैसे क्या है। ये मशीन किस चीज का है? ये नारियल का रस्सी बनाता है, इसको कोयर मशीन। ये कोयर मशीन है और नारियल से यहाँ पे रस्सी बनती है। ये टाइप की रस्सी है। हाँ, ये आप रस्सी देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रस्सी का बंडल है पूरा, ये नारियल के कोकोपीट से बनता है पूरा। आइए सर, ये नारियल का वेस्ट है ना? हाँ, ये इसको फायर बोलते हैं। ये जो मूर्ति बनाते हैं भगवान की मूर्ति, या कोई भी पीओपी का काम रहेगा उसमें इसका फाइबर का यूज होता है, इसको कोको फाइबर। ओके, ये कोको फाइबर है जो कि भगवान की मूर्ति में यूज होता है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएंगे वो रस्सी, वो मशीन किस चीज के लिए? ये स्क्रीनर है जो आप सामने देख रहे हैं, इससे फाइबर हम लोग स्क्रीनिंग होता है और नीचे उसके कोकोपीट बचता है। और ये वाला जो मैडम यहाँ पे मशीन में काम कर रही है, ये किस चीज के लिए? ये इसको फाइबर है एक्सट्रैक्शन मशीन बोलते हैं, जहाँ पे नारियल क्रश होता है, और फाइबर और कोकोपीट दोनों अलग होता है यहाँ पे। ये अभी देख रहे हैं ना आप, ये कोकोपीट है जो कि जैविक खाद बोलते हैं ना वो है। तो मैं ये देखिए, ये रॉ है अभी, इसको थोड़ा सा सूखा होगा के अच्छे से बना के ये मतलब फार्मर को सप्लाई कर देते थे। और सर ये जो है, ये फाइबर है जो मूर्ति में यूज होता है ना, वो वाला फाइबर है पूरा। रस्सी बनाते हैं, मूर्ति जो बच जाता है मूर्ति में यूज करते है। हाँ, अभी प्रभारकर पाटिल साहब मुझे ना फाइनल कोकोपीट दिखा रहे हैं, जो कि एक खाद है। वो दिखाएंगे सर कैसा है वो खाद? ये इसको जैविक खाद बोलते हैं, ये नारियल से बना हुआ है, ये प्लांट जर्मिनेशन के लिए बहुत यूजफुल है, और जो भी फ्लावर नर्सरीज है वहाँ पे इसका यूज होता है।
फ्लावर के लिए, मतलब फ्लावर हो गया, खेती वगैरह हो गया, ये फाइनल बन गया ना, ये फाइनल बन गया। आप देख सकते हैं कितना ये इजीली बनाया गया, एकदम दानेदार हो गया है, तो ये यूजफुल है। और इसका जो कलर है वो एकदम मतलब ब्लैक कलर का है और चॉकलेटी, डार्क चॉकलेटी कलर का ये इसका कलर उभर के आ रहा है अभी। और मैंने जो आपको अंदर मशीन पे दिखाया था वो एकदम गीला गीला था, बट ये जो है अभी जो यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है ये फाइनल बन गया। वो तो यहाँ से फार्मर को सप्लाई करेंगे। और जो इंडस्ट्री का नाम है, जो जिस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, ये ओम एग्रो इंडस्ट्री करके है, जो कि ये मानवली रोड पे आता है, कल्याण में ही है। अगर किसी को ये खाद चाहिए रहेगा तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ओम एग्रो इंडस्ट्री, यहाँ पे आके ले सकते हो। ये फाइनल रस्सी बन के तैयार हुई है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये रस्सी यहाँ पे बनता है। और ये मतलब इसका जो फिनिशिंग वगैरह है बहुत अच्छा है फिनिशिंग। मैंने ना अभी वो इंडस्ट्रियल पाटिल साहब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज गांव में ना ऐसी इंडस्ट्रियल होना बहुत एक वरदान से कम नहीं होता। बिकॉज कैसे कि गांव में काम करके कमाना, 10 लोगों को रोजगार देना, और मतलब वेस्ट, तो मेन चीज क्या, वेस्ट से आप इतनी अच्छी चीजें बना के ना उसको तीन तीन चीज बना के सेल करना मार्केट में, जो कि एक अपने आप में लाजवाब है। और मैं अभी देख रहे हो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं एकदम गांव में आया हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पानी है एकदम बीच पहाड़ों के बीच में से निकल के ये पूरा पानी आ रहा है, और ये पानी काफी मतलब साफ है। आप मेरे को कैमरे में देख नहीं पाते रहोगे कि इतना साफ है कि नहीं, बट पानी ना बहुत साफ है। बट ना क्या करें, मेरे ना बहुत कम पानी है। अगर थोड़ा सा ज्यादा पानी होता तो मैं यहाँ पे नहाता भी था, बट कैसे करेगा, पानी बहुत कम है। और साफ साफ यहाँ से मतलब इतनी छोटी छोटी एक उंगली की इतनी बड़ी बड़ी मछलियां भी दिख रही है मुझे। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये दृश्य देख के। आप कैमरे में देखिए, ये जो ये पूरा का पानी है, मतलब पत्थर है, पानी है पूरा। और मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ कितना कैसे मतलब जंग मतलब नाला टाइप गया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पानी ऐसा नाले के साइड में गया है। ये हार्डली 1-1.5 किलोमीटर ऐसे जाने के बाद आगे ना 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी है, तो ये पानी पूरा जाके नदी में मिल जाएगा। और क्या बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखेंगे तो ये आगे से आया हुआ है कहीं दूर, मतलब पहाड़ों के बीच में से देख रहे ना। ये छुई मुई का पेड़ है, और इसमें जैसे हाथ लगाने के बाद ना, ये इसमें दिख रहा है कि नहीं मैं आपको दिखाता हुआ, ये देखिए ये ना बंद हो जाते, सिकुड़ जाते। इसको हाथ लगाएंगे ना आप तो ये सिकुड़ जाते, देख रहे, ये देखिए कैसा बंद हो जा रहा है। ये छुई मुई का पेड़ है, ये बेसिकली ना शहरों में देखने नहीं मिलता। इसको आप थोड़ा सा भी ऐसा करेंगे ना, इसको छुएंगे, देखिए बंद हो रहा है। इधर भी ऐसा करूंगा मैं तो देखो धीरे सिकुड़ जा रहा है। हाँ, इधर देखिए बंद हो रहा है। ये छुई मुई का पेड़ है, ये शहरों में देखने नहीं मिलता है। बहुत ही मतलब हमने पढ़ा था बचपन में कि उसको हाथ लगाने से ना ये सिकुड़ जाता है। मैं ना अभी विनर टीम के साथ में हूँ, जो लास्ट संडे मैंने आपको मेरे लास्ट के ब्लॉग में दिखाया था कि जो टीम मतलब ओरम में 1-2 रन से हार गई थी, मैं उस टीम के साथ में हूँ। और टीम ने ना बहुत अच्छा खेला आज। मैं आपको उनका ब्लॉग दिखाने पर मैच दिखा नहीं पाया, बिकॉज उनका मैच यहाँ से थोड़ा लंबा था, तो मैंने दिखाता हूँ अभी। वो मेरे साथ में ही है, चलो मैं लेके चलता हूँ उनके पास। ये देखिए, ये विनर टीम है छोटू, ये छोटू है, इसके हाथ में ट्रॉफी आप देख रहे हैं। ये ट्रॉफी उन्होंने जीत के लाया, और मतलब बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से खेला उन्होंने। छोटू कुछ बताएंगे ट्रॉफी के बारे में? बताऊंगा, इसकी वजह से मैच जीता, ये सब बताया। लकी की वजह से, लकी जो वाइस कैप्टन, जैसे मैंने पहले ये बताया था, ये कैप्टन या वाइस कैप्टन। लकी कुछ बताएंगे कैसे जीता? इस बार मेरे वजह से जीते, देखा इस बार मतलब जीत के लाया। मेन कैसा है, कहा था ना हमने कि अगले संडे को पक्का जीतेंगे, तो जीत ही गए। मतलब ट्रॉफी लेके आ गए घर पे, मतलब अच्छा खेला लोगों ने, अच्छा ट्रॉफी लेके आए। तो काश हम लोग क्रिकेट का वीडियो दिखाते तो 6-6 कैसा उड़ा रहा था वो भी दिखता, बट मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने नाम रोशन किया पीके नगर का, पीके बॉयज करके। आप इंजॉय करो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना ब्लॉग एंड करता हूँ आपका। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक करके, मतलब वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।